दुनिया भर में रेगिस्तानी टिड्डियों को सबसे ज्यादा खतरनाक कीट माना जाता है। एक टिड्डी प्रत्येक दिन अपने वजन के बराबर पौधे खा सकती है। एक छोटा टिड्डियों का एक झुंड एक दिन में लगभग 2500 लोगों के लिए भोजन खत्म कर सकता है। अनुकूल मौसम मिलने पर ये बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ जाती हैं और इनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, तब वो बहुत नुकसानदायक कीट में तब्दील हो जाती हैं। हाल ही में टिड्डियों के भारी संख्या में पनपने का मुख्य कारण वैश्विक ताप वृद्धि के चलते मौसम में आ रहा बदलाव है। ये मुख्य रूप से तेज बारिश या लंबे समय तक नम वातावरण की स्थिति में होता है। टिड्डियों द्वारा अंडे देने के लिए आदर्श तापमान 35 डिग्री होता है। एक मादा टिड्डी 3 बार तक अंडे दे सकती है और एक बार में 80 से 90 अंडे तक दे सकती है। 2 हफ्तों के भीतर अंडे बिना पंख वाले हॉपर में बदल जाते हैं। इस चरण में ये 3 से 4 सप्ताह तक रहते हैं। हॉपर उड़ नहीं सकते और वो 1 मिनट में 10 मीटर तक जा सकते हैं। इस स्थिति में उन्हें नियंत्रित करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। 6 सप्ताह में हॉपर वयस्क टिड्डे में बदल जाता है। ये वयस्क टिड्डे झुंड में एक दिन में 5 से 130 किलोमीटर या उससे अधिक उड़ सकते हैं। वयस्क सूर्योदय के कुछ समय बाद तक धूप सेक के झुंडों में उड़ जाते हैं और सूर्य अस्त से ठीक पहले फसलों और पौधों पर वापस उतर आते हैं। इनको नियंत्रित करने के लिए सूर्य अस्त के बाद और सूर्योदय का समय उपयुक्त होता है, या फिर दिन में हवा में उड़ते वक्त झुंड का नियंत्रण ड्रोन इत्यादि से कीटनाशकों के छिड़काव के द्वारा किया जा सकता है। टिड्डियों के हमले से निपटने के तरीके। टिड्डियों के हमले को रोकने का उपाय सावधानी है, यानी टिड्डियों के अंडे को पनपने से पहले नष्ट किया जाना चाहिए। जब अंडे देने वाली जगहों की पहचान होती है तो उन क्षेत्रों की खुदाई जुताई कुछ हद तक मदद कर सकती है। हॉपर उड़ नहीं सकते, नियंत्रण अभियान पूरे दिन 4 से 6 सप्ताह तक चलाया जा सकता है। वयस्क टिड्डों के नियंत्रण अभियान की योजना उन्हें उड़ान भरने से पहले और देर से दोपहर में जमीन में आ जाने के बाद बनाई जानी चाहिए। ऐसे अभियानों की अवधि कम होगी, 4 सप्ताह से कम। हमला हो जाने की दिशा में टिड्डियों पर काबू पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए कीटनाशक का ड्रोन के द्वारा हवाई छिड़काव या विशालकाय स्प्रेयर से स्प्रे किए जाने से होता है। शाम के समय यदि टिड्डी दल आपको अपने खेत में दिखाई दे तो तुरंत आवाज करें या शोर करें या कचरे को जलाकर धुआं करें। इसके अलावा फसलों को ढांकना, टिड्डियों को खाने वाले पक्षियों का पालन जैसे प्राकृतिक उपाय भी किए जाते हैं।